Hello and welcome back. I'm Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. Last video में मैंने चश्मा हटाने की जो दो popular technologies हैं, silk and contoura vision, इन दोनों के differences आपको समझाए थे और ये सारा बताया था कि silk contoura vision से क्यों better मानी जाती है. आज की वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं कि सिल्क और जो पुरानी टेक्नोलॉजी है चश्मा हटाने की स्माइल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज कुछ कुछ एक जैसी ही हैं और सिल्क जो है वो एक तरह से स्माइल की अपग्रेडेशन है. तो स्माइल कोई खराब टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन स्माइल लॉन्च हुई थी 2015 में. जब स्माइल लॉन्च हुई तो ऑफकोर्स बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी थी, लेकिन हां कुछ कमियां थी उस टेक्नोलॉजी में और उन कमियों को अब सिल्क ने पूरा कर दिया है, जिससे विजन की क्वालिटी जो हम स्माइल में पेशेंट्स को बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते थे, अब सिल्क के हेल्प से पेशेंट्स को बहुत फाइन और सुपर विजन 6.5 क्वालिटी की विजन हम दे सकते हैं. तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि सिल्क में क्या क्या नए अपग्रेड्स आए हैं और ये टेक्नोलॉजी स्माइल से कैसे बेटर हो गई है. इसके ऊपर एक एक पॉइंट डिटेल में मैं आपको समझाना चाहता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती है. देखिए, दोनों ही सिल्क एंड स्माइल, दोनों टेक्नोलॉजीज हमारे आंख के जो सामने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम लोग कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, उस पे एक तरह का लेजर डाला जाता है जिससे चश्मे का नंबर हटाया जाता है. दोनों ही सिल्क एंड स्माइल फ्लैप लेस टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें कुछ फ्लैप नहीं बनाया जाता और दोनों टेक्नोलॉजीज लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स की कैटेगरी में आती है. तो जैसे मैं आपको ये एनिमेशन दिखा रहा हूं, इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं लेजर काली पुतली पर गया, काली पुतली में लेजर ने एक पतला सा लेंटिक्यूल या टिश्यू की डिस्क को बना लिया. इस टिश्यू की डिस्क में आपके चश्मे की पावर है और साइड से 2 से 3 मिलीमीटर की पॉकेट से इस टिश्यू की डिस्क को निकाल दिया और चश्मे का नंबर ठीक हो गया. तो स्माइल और सिल्क दोनों लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन से चश्मे का नंबर हटाते हैं. अब हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और क्यों सिल्क स्माइल से अब बेटर हो गई है. तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं. सिल्क जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, अमेरिका या यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है. एंड स्माइल जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो है जाइस, जो जर्मनी की एक बहुत ही बड़ी कंपनी है. बट दोनों कंपनीज जो है मल्टीनेशनल्स हैं, दोनों कंपनीज की ग्लोबल प्रेजेंस है. जो सिल्क में सबसे पहला एडवांटेज आया है वो है कि सिल्क में जो लेजर की एनर्जी है वो बहुत ही कम है या लो है, बहुत ही अल्ट्रा लो एनर्जी पे ये ऑपरेशन होता है और इसमें पल्स की एनर्जी होती है 60 नैनोजूल्स. ये लेजर की एनर्जी है कंपेयर्ड टू स्माइल, जहां पे 150 नैनोजूल्स की एनर्जी यूज होती है और ये एनर्जी बहुत हाई है. अब इस एनर्जी हाई होने के प्रॉब्लम क्या है वो हम नेक्स्ट टिश्यू में समझते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है कोलैटरल टिश्यू डैमेज. अब ये समझना है यहां पर सारा एनर्जी का रोल है. देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये काली पुतली है और काली पुतली में ऊपर से लेजर आया और यहां पे मैंने काली पुतली में लेजर को डाला. अब मैं चाहता हूं कि ये जो लेजर डाला है ये यहीं पर काम करे, इसके आसपास का जो टिश्यू है उस पर इफेक्ट ना डाले. तो ये लेजर की पल्स जितनी लो एनर्जी की होगी उतना जो कोलैटरल या सराउंडिंग टिश्यू है उसको डैमेज या इफेक्ट कम करेगी. तो सिल्क का ये एडवांटेज है कि लो एनर्जी है, कोलैटरल डैमेज कम है, इसकी वजह से सिल्क प्रोसीजर में सूजन बहुत कम बनती है.
आंख में स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन कम होती है और पेशेंट की नजर की रिकवरी एकदम इंस्टेंट 24 घंटे में पेशेंट की नजर साफ हो जाती है और वो अपने रोजमर्रा के काम पर वापस जा सकता है। वहीं पे अगर हम स्माइल की बात करें तो स्माइल में एनर्जी हाई है 150 नैनोजूल्स, इसकी वजह से कोलैटरल डैमेज ज्यादा होता है, सूजन ज्यादा बनती है और उसकी वजह से टाइम लगता है रिकवरी में। तो जैसे स्माइल और सिल्क का एक पॉइंट आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें रिकवरी एकदम इंस्टेंट है। जैसे रिकवरी टाइम के पॉइंट पे आ जाता हूं तो सिल्क में रिकवरी इंस्टेंट है, 24 घंटे में आप अपने वापस जा सकते हो काम पे। वहीं स्माइल में जो रिकवरी है वो स्लो है, करीब एक हफ्ता लग जाता है। और उसका पहला कारण है कि वहां पे एनर्जी ज्यादा है स्माइल में कंपेयर टू सिल्क। अब इसका दूसरा कारण समझते हैं। दूसरा कारण है स्पॉट सेपरेशन या लेजर स्पॉट सेपरेशन। अब देखिए स्माइल में क्या होता है कि जो लेजर हम पुतली पर डाल रहे हैं, इसमें क्या होता है कि पुतली में एक लेजर का शॉट आया, फिर एक गैप होता है करीब 4 माइक्रोन का, फिर एक लेजर का स्पॉट आता है, फिर एक गैप है 4 माइक्रोन का, फिर लेजर का स्पॉट आता है। तो ये जो लेजर के स्पॉट्स हैं इनमें टिश्यू के ब्रिजेस बन जाते हैं या बीच बीच में गैप बन जाता है जहां पे लेजर ने काम नहीं करा। तो जब हम स्माइल के लेंटिक्यूल को निकालते हैं तो क्योंकि ये टिश्यू के ब्रिजेस बने हुए हैं यहां पे, ये लेंटिक्यूल बहुत अटक अटक के निकलता है, बहुत ज्यादा टिश्यू को मैनिपुलेट करना पड़ता है, इन ब्रिजेस को तोड़ना पड़ता है इस लेंटिक्यूल को निकालने के लिए। इसकी वजह से स्माइल में टिश्यू हैंडलिंग ज्यादा हो जाती है और आंख में सूजन ज्यादा बनती है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन ज्यादा करना पड़ता है, इन ब्रिजेस को हमें तोड़ना पड़ता है। वहीं हम बात करें सिल्क की, तो सिल्क में जो एक रेवोल्यूशन आया अब वो ये है कि सिल्क के जो स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े जुड़े आते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्रिजलेस, मतलब इन स्पॉट्स के बीच में टिश्यू के ब्रिजेस नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब लेंटिक्यूल हम निकालते हैं तो बिल्कुल प्यार से, आराम से, बिल्कुल स्मूथली लेंटिक्यूल बन जाते हैं और बहुत ही प्यार से हम इसको निकाल देते हैं। इसी एडवांटेज की वजह से सिल्क का नाम भी यही पड़ा है, स्मूथ इंसीजन लेंटिक्यूल केराटोमाइलियोसिस। तो ये जो एस में स्मूथ आया है, एस एम ओ ओ टी है, स्मूथ, ये स्मूथ जो वर्ड है ये यहां से निकला है क्योंकि ब्रिजलेस स्पॉट्स हैं, टिश्यू ब्रिजेस नहीं बन रहे, उनकी मैनिपुलेशन नहीं करनी पड़ती, तो डाइसेक्शन जो है ये बहुत स्मूथ है इसमें और इसी की वजह से सूजन कम बनती है और नजर की क्वालिटी और अच्छी आ जाती है। नेक्स्ट जो मेजर रेवोल्यूशन आया सिल्क में वो है बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल। अब ये क्या चीज आ गई, देखिए मैंने आपको बताया है कि सिल्क और स्माइल दोनों ही आंख के अंदर एक लेंटिक्यूल बनाते हैं और उस लेंटिक्यूल को हम निकाल के चश्मे की पावर को ठीक करते हैं। तो इन दोनों के लेंटिक्यूल के शेप में बहुत फर्क है एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, आज से पहले हम कभी ऐसा नहीं कर पाए, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड सिल्क में बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल हम बना पा रहे हैं। बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल का मतलब होता है कि ये लेंटिक्यूल दोनों साइड से गोलाई में है, एक तरह से नेचुरल शेप में बनता है। वहीं स्माइल का लेंटिक्यूल जो है वो फ्लैट होता है या प्लेनो कन्वेक्स होता है, कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल को बनाने के कई सारे एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है कि बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल जो काली पुतली में नर्व्स होती हैं उनको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, और क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करता, सिल्क में जो आंखों में ड्राइनेस आती है वो कम आती है क्योंकि नर्व बहुत ज्यादा डैमेज नहीं होती और उनकी रीजनरेशन फास्ट हो जाती है। तो जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं सिल्क का बाई कन्वेक्स लेंटिक्यूल है, तो ये नर्व्स को काफी बचा देता है या उसमें जेंटल है तो ड्राइनेस कम बनती है। तो यही मैंने पॉइंट डाला, बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल से पहला एडवांटेज है इनहांस्ड विजन आती है, 6/5 क्वालिटी विजन आती है, सुपर विजन क्वालिटी, नर्व रीजनरेशन फास्टर हो जाता है जिसकी वजह से ड्राई आईज कम मिलती है। कंपेयर्ड टू स्माइल जहां पे फ्लैट लेंटिक्यूल है उसकी वजह से जो नर्व रीजनरेशन है ये स्लो है
और आंखों में ड्राइनेस जो है वो लंबे समय के लिए बनती है। तो यूजुअली हम देखते हैं सिल्क वाले पेशेंट्स में ड्राइनेस करीब एक महीना या ज्यादा 1.5 महीने के लिए रहती है, वहीं स्माइल के पेशेंट्स में करीब 2 से 3 महीने ड्राइनेस रहती है, जिसके लिए दवाई हमें डालना पड़ता है। एक और बड़ा एडवांटेज है बायकन्वेक्स लेंटिक्यूल का, और वो एडवांटेज है प्रिजर्वेशन ऑफ डेप्थ ऑफ फोकस या बेटर डेप्थ ऑफ फोकस एंड लैग फ्री ट्रांजिशन। अब ये क्या चीज होती है? देखिए क्या होता है, आजकल की एक्टिव लाइफ में एक इंसान को दूर का भी देखना है, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, घूमना फिरना, जॉग पे जाना, जिमिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बीच का काम भी करना है, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप आईपैड पे काम करना, पास का काम भी करना है, रीडिंग राइटिंग कोई फाइन वर्क करना है। तो कंटिन्यूसली हम अपने आंखों का फोकस को चेंज करते रहते हैं, कभी दूर देख रहे हैं, कभी बीच का देख रहे हैं, कभी पास का देख रहे हैं, फिर पास से बीच देख रहे हैं, बीच से दूर देख रहे हैं। तो बायकन्वेक्स लेंटिक्यूल में ये जो हम चेंज ऑफ फोकस है इसमें कोई लैग नहीं आता, मतलब दूर से आप पास देखेंगे तो इंस्टेंट क्लैरिटी है, बीच से बीच में देखेंगे, पास से बीच में देखेंगे, इंस्टेंट क्लैरिटी है। लेकिन स्माइल में क्या होता है कि थोड़ा सा लैग होता है, तो पेशेंट्स कुछ कभी कभार ऐसे कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब दूर से बीच का देख रहे हैं, बीच से पास का देख रहे हैं, हल्का सा मिलीसेकंड लैग है और उसके बाद विजन क्लियर होती है, थोड़ा सा फोकस होता है, फोकस रीफोकस। तो ये जो लैग फ्री ट्रांजिशन बाय कन्वेक्स लेंटिक्यूल में आई ये यहां पे अवेलेबल नहीं है। और ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये मेन हाइलाइट्स हैं सिल्क के, कि स्पेशल तरह का लेंटिक्यूल है जिसमें कुछ स्पेशल एडवांटेजेस मिलते हैं जो बाकी टेक्नोलॉजीज में नहीं मिलते। तो इसी की वजह से जो विजन की क्वालिटी है वो भी बढ़िया है, जैसे मैंने आपको समझाया विजन क्वालिटी सिल्क में ऑफन सुपर विजन मिल जाता है, लेकिन स्माइल में कोशिश हमारी ये रहती है कि 6-6 भी मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भैया बहुत बढ़िया बात होगी, पेशेंट को 6-6 विजन आ गई। और यहां पे स्माइल में तो 6-6 तो आनी आनी है, उसके बियॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, 6-5 सुपर विजन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो सिल्क में एक और मेजर हाईलाइट है वो है साइक्लोटॉर्शन कंपनसेशन। अब ये क्या होता है, देखिए जब एक इंसान सीधा है और वो लेट जाता है, मशीन में लेट जाता है या बेड पे लेट जाता है, तो आंख जो है वो थोड़ी सी घूम जाती है, आंखों का जो सिलेंडर एक्सिस होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये जो आंख घूम गई और सिलेंडर का एक्सिस चेंज हो गया, ये सिल्क में हम कंपनसेट कर पाते हैं, मशीन में सॉफ्टवेयर्स हैं जो पूरा ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि आंख कितनी घूमी एंड अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट करके बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेंडर एक्सिस जो है वहां पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जबकि स्माइल में ये फैसिलिटी नहीं है, स्माइल में साइक्लोटॉर्शन की फैसिलिटी नहीं है। तो अक्सर हम देखते थे स्माइल पेशेंट को जब ऑपरेट करते थे तो पेशेंट्स का कुछ सिलेंडर रह जाता था, क्योंकि साइक्लोटॉर्शन कंपनसेशन हो नहीं पाया, एग्जैक्ट एक्सिस पे ट्रीटमेंट हो नहीं पाया और थोड़ा बहुत आंख में सिलेंडर नंबर रह गया। तो ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज है जो सिल्क में आया है। दूसरा एक और बड़ा एडवांटेज है कि विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट है। इसके लिए आप ये एनिमेशन देखिए। देखिए इस एनिमेशन में आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे आंखों में दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है जो आंख के बिल्कुल सेंटर सेंटर से पास करता है, इसको कहते हैं प्यूपुलरी एक्सिस। लेकिन रिसर्च ने हमें दिखाया कि हम प्यूपुलरी एक्सिस से तो देखते नहीं है, हम लोग देखते हैं दूसरे एक्सिस से जिसको विजुअल एक्सिस कहते हैं। तो जब हम विजुअल एक्सिस पे ट्रीटमेंट करते हैं तो नजर की क्वालिटी और अच्छी आ जाती है। तो सिल्क में ये एडवांटेज है कि विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट कर सकता है। कंट्यूरा का भी यही एडवांटेज था बहुत बड़ा कि विजुअल एक्सिस ट्रीटमेंट कर सकता है। तो विजुअल एक्सिस जो नेचुरल एक्सिस है वहां पे ट्रीटमेंट है सिल्क में, लेकिन स्माइल में ये ट्रीटमेंट प्यूपुलरी एक्सिस में है, तो इसकी वजह से भी नजर की क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी आती है। रिकवरी का मैंने आपको बता ही दिया कि ये बहुत फास्ट है, वो थोड़ी सी वो है स्लो है। कॉस्ट की बात करें तो स्माइल की कॉस्ट करीब पड़ती है 90,000 दोनों आंखों की, बोथ आईज। एंड सिल्क की बात करें तो ये पड़ती है 1,15,000 बोथ आईज दोनों आंखों की। नंबर की करेक्शन की बात करें तो स्माइल जो है ये -1 से लेके -8 तक का नंबर हटा सकता है स्फेरिकल में, एंड -1 से लेके -3 तक का नंबर हटा सकता है सिलेंडर का, एंड सेम ट्रीटमेंट ऑप्शन हमें सिल्क में भी मिल जाता है। तो बेसिकली एक लाइन में अगर मैंने कंक्लूड करना है तो बेसिकली स्माइल हो गई है पुरानी,
स्माइल में कमियां थी, टाइम के साथ उन कमियों को इंप्रूव करके सिल्क को लॉन्च करा गया। तो स्माइल एक तरह से ऑब्सोलीट हो गई है, अब तो हमने स्माइल करना बंद ही कर दिया है एंड अब सारे पेशेंट जो है वो सिल्क के लिए प्रेफरेंस या डिमांड करते हैं। सो आपके मन में और कोई भी डाउट हो सिल्क और स्माइल को लेके तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बैक सून।